नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक के छठे प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको हाइड्रोजन गैस की तैयारी और उसके हमजा या आइसोटोप्स के बारे में बताएंगे। इसके अलावा पानी के ख्वास, पानी की तरकीब के बारे में बात होगी और हल्के और सख्त पानी के बारे में भी हम तफसील से बताएँगे। तो आइए हम आपको पहले ये बताएं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन ज़्यादातर गैसी हालत में पाई जाती है। इसकी अलामत H है। इसका एटमी नंबर 1 है। इसका एटमी वज़न 1.008 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका मॉलिक्यूली फार्मूला H2 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s1 है। सबसे पहले सन 1776 में एक साइंसदान कैवेंडिश ने धातुओं पर तेजाबों के अमल से ये गैस तैयार की। लुएजे ने बाद में इसे हाइड्रोजन का नाम दिया। हाइड्रो यूनानी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानी। क्योंकि इस गैस को जलाने से पानी बनता है, इस वजह से इसे हाइड्रोजन कहा गया। हाइड्रोजन यानी पानी पैदा करने वाली गैस। आइए अब हम देखें कि हाइड्रोजन गैस किन किन तरीकों से तैयार की जा सकती है। तजर्बागाह में हाइड्रोजन गैस धातुओं पर हल्के तेजाबों के कीमियाई अमल से हासिल होती है। मसलन जिंक पर हल्के सल्फ्यूरिक एसिड के अमल से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह से एल्युमिनियम का कीमियाई अमल कुछ इस तरह होगा, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बास धाती हाइड्राइड पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। मसलन कैल्शियम हाइड्राइड पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। बाज़ धातें मसलन सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम पानी के साथ कीमियाई तामुल करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं। मसलन सोडियम का कीमियाई तामुल कुछ इस तरह होगा, यानी सोडियम पानी के साथ कीमियाई तामुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। पोटाशियम का कीमियाई तामुल कुछ इस तरह होगा, यानी पोटाशियम पानी के साथ कीमियाई तामुल करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। पोटाशियम और सोडियम का कीमियाई तामुल बहुत तेज़ होता है और कीमियाई तामुल के दौरान आग लग सकती है। इस वजह से इन धातुओं से हम तजर्बागाह में हाइड्रोजन गैस तैयार नहीं करते। आम दर्जा हरारत पर पानी का कैल्शियम के साथ कीमियाई तामुल बहुत सुस्त होता है और इसे हम कुछ इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, यानी कैल्शियम पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस पानी की बर्फ पाशीदगी से हासिल की जाती है। हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में पानी को मूसल बनाने के लिए उसमें चंद कतरे सोडियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाकर इसमें से बरकी रॉ गुजारी जाती है, तो पानी अपने अज़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तहलील हो जाता है। हाइड्रोजन गैस मनफी बरकीरे या कैथोड पर जमा होनी शुरू हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन गैस मस्बत बरकीरे या एनोड पर जमा होनी शुरू हो जाती है। इस कीमियाई अमल को हम कुछ इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से हासिल होने वाली हाइड्रोजन का हजम ऑक्सीजन से हमेशा दुगना होता है। सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस मीथेन गैस से भी हासिल की जाती है। कुदरती गैस का 90% हिस्सा मीथेन पर मुश्तमिल होता है। अगर मीथेन को 2000 दर्जे सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो वो अपने अज्जा में तहलील हो जाती है और कीमियाई अमल कुछ यूं होता है, यानी मीथेन के मॉलिक्यूल टूटकर कार्बन और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कुदरती गैस यानी मीथेन को अगर
हम भाप के साथ अमल अंगेज की मौजूदगी में गर्म करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर हासिल होता है, जिसे हम इस कीमियाई अमल से देख सकते हैं। यानी मीथेन और भाप मिलकर अमल अंगेज की मौजूदगी में और ज़्यादा दर्जा हरारत पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करने के लिए इसे मायع हालत में तब्दील किया जाता है और फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, जिससे सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। नाज़रीन, ये तो थे हाइड्रोजन गैस की तैयारी के मुख्तलिफ तरीके। अब हम हाइड्रोजन गैस के तबई और कीमियाई ख्वास का मुताला करते हैं। हाइड्रोजन के तबई ख्वास कुछ यूं हैं। हाइड्रोजन बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है। ये हवा से हल्की होती है, इस वजह से इसे गुब्बारों में इस्तेमाल किया जाता है। दबाव बढ़ाकर और ठंडक पहुंचाकर इसे मायع हालत में -252.8 दर्जे सेंटीग्रेड पर तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह इसे -259 दर्जे सेंटीग्रेड पर ठोस हालत में भी तब्दील किया जा सकता है। ये पानी में ना हल पजीर है। हाइड्रोजन की कीमियाई खसूसियात कुछ यूं हैं। हाइड्रोजन तमाम हेलोजन्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कीमियाई तामुल करके उनके हेलाइड्स बनाती हैं। मसलन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कीमियाई तामुल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फर के साथ कीमियाई तामुल करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, लेकिन ये कीमियाई तामुल ज़्यादा दर्जा हरारत पर होता है। यानी हाइड्रोजन और सल्फर को गर्म करने से हाइड्रोजन सल्फाइड हासिल होती है। हाइड्रोजन 500 दर्जे सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और अमल अंगेज की मौजूदगी में नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस बनाती है। इस कीमियाई तामुल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस अमल में फेरिक ऑक्साइड अमल अंगेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमोनिया यूरिया खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन बाज़ अनासिर के साथ कीमियाई तामुल करके उनके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। मसलन कैल्शियम और हाइड्रोजन मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ धातुओं की बरकी मनफियत हाइड्रोजन से कम होती है, इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी नंबर -1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करने की इंतहाई सलाहियत रखती है, इसे हम उसकी केमिकल एफिनिटी कहते हैं। ऑक्सीजन अगर मरकब हालत में भी हो तो हाइड्रोजन उसके साथ मिलकर पानी बनाती है। इस अमल को अम्ले तख़फीफ कहते हैं। अम्ले तख़फीफ में हाइड्रोजन का मिलाप होता है या ऑक्सीजन का इखराज होता है, इसे हम अम्ले तख़फीफ या रिडक्शन भी कहते हैं। भारी धातुओं के ऑक्साइड्स को अगर हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए तो अम्ले तख़फीफ से धात हासिल होती है। मसलन अगर कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो कीमियाई अमल कुछ यूं होगा। यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ज़्यादा दर्जा हरारत पर कॉपर बनाएंगे और पानी बनेगा। इसी तरह से टंगस्टन ऑक्साइड की तख़फीफ से भी हमें धात हासिल होती है। यानी टंगस्टन ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर टंगस्टन धात बनाता है और पानी बनाता है। आइए अब हम देखें कि हाइड्रोजन के हमजा या आइसोटोप से हमारी क्या मुराद है। एक ही अंसर के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉनों की तादाद तो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ होती है, यानी उनका एटमी नंबर तो एक ही होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उनका एटमी वज़न या मास नंबर मुख्तलिफ होता है, उस अंसर के हमजा या आइसोटोप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन के तीन हमजा या आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। पहला हमजा
प्रोटियम कहलाता है। इसके मरकज़े में एक प्रोटॉन होता है जबकि इसके मदार में एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। इसका एटमी नंबर एक है और इसका एटमी वज़न 1.0 एटॉमिक मास यूनिट है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर है। दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम कहलाता है। ये भारी हाइड्रोजन भी कहलाती है। ये ज़्यादातर मुरक्कब हालत में पानी की सूरत में पाया जाता है जिसे हम भारी पानी भी कहते हैं। इसे हम अलामत 1H2 से ज़ाहिर करते हैं। इसके मरकज़े में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इसके मदार में एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। इसका एटमी नंबर तो एक ही रहता है लेकिन इसका एटमी वज़न 2 होता है। तीसरा आइसोटोप ट्रिटियम कहलाता है। इसके मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसके मरकज़े में एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसका एटमी वज़न या मास नंबर 3 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव अंसर है और न्यूक्लियाई अमल के दौरान हासिल होता है। आपने देखा कि तीनों हमजाओं में प्रोटॉन की तादाद बराबर रही लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उनका एटमी वज़न या मास नंबर मुख्तलिफ हो गया। एटमी नंबर एक होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s1 है और इनमें उनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं लेकिन तबई खसूसियात मसलन नुक्ताए खोलाव, नुक्ताए इंजमाद और कसाफत पर असर पड़ता है। आइए अब हम देखें कि हाइड्रोजन गैस के क्या क्या इस्तेमालात हैं। हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, इस वजह से इसे गुब्बारों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बास कीमियाई मरकबात मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। माया हाइड्रोजन कम दर्जा हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नबाताती तेलों पर हाइड्रोजनेशन के अमल से वनस्पति घी हासिल होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बहुत तेज़ शोला हासिल होता है जिसे हम ऑक्सी हाइड्रोजन शोला कहते हैं। इसका दर्जा हरारत तकरीबन 3000°C होता है। ये धातुओं को पिघलाने, जोड़ने और मोड़ने के काम आता है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट की तैयारी में भी हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। सनत में वाटर गैस बतौर ईंधन इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, ये तो था हाइड्रोजन के बारे में एक जायज़ा। अब हम पानी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पानी का मॉलिक्यूली फार्मूला H2O है। इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। इसका मॉलिक्यूली वज़न 18 एटॉमिक मास यूनिट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरा अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी है। पानी 3 हालतों यानी ठोस, माया और गैस में पाया जाता है। इसकी ठोस हालत बर्फ़ है जबकि गैसी हालत में ये बखरात की सूरत में मिलता है। इसका नुक्ता इंजमाद 0°C है। पानी के तबई खवास कुछ यूँ हैं। खालिस पानी बेरंग, बेबू और बेजायका माया है। इसका नुक्ता इंजमाद 0°C है जबकि इसका नुक्ता खुलाव 100°C है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कसाफत 4°C पर 1 g/cm³ है। पानी एक तादीली माया है। सुर्ख और नीले लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता। आइए अब हम पानी की कीमियाई खसूसियात देखते हैं। ज़्यादा दर्जा हरारत पर पानी अपने अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तहलील हो जाता है, यानी पानी के मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। पानी हरारत का अच्छा मूसल नहीं है। इसे अच्छा मूसल बनाने के लिए इसमें चंद कतरे सोडियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है। इसके बाद इसमें से बरकी रौ गुजर जाती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल हो जाती है। बाज़ धातें आम दर्जा हरारत पर पानी के साथ कीमियाई तामुल करती हैं। मसलन सोडियम पानी के साथ कीमियाई तामुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस खारिज करती है।
बाज धातें ज़्यादा दर्जा हरारत पर पानी के साथ कीमियाई तामुल करती हैं। लोहे का भाप के साथ कीमियाई तामुल कुछ यूँ होगा, यानी लोहा और भाप मिलकर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन का पानी के साथ कीमियाई तामुल कुछ यूँ होगा, यानी क्लोरीन और पानी मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिस एसिड बनाएंगे। पानी गैर धातु ऑक्साइड्स के साथ मिलकर तेजाब बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड का पानी के साथ कीमियाई तामुल कुछ यूँ होगा, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कीमियाई तामुल कुछ इस तरह होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। बास धातु ऑक्साइड पानी के साथ कीमियाई तामुल करके उनके हाइड्रोऑक्साइड्स बनाते हैं। मसलन सोडियम ऑक्साइड का कीमियाई तामुल कुछ यूँ होगा, यानी सोडियम ऑक्साइड और पानी मिलकर सोडियम हाइड्रोऑक्साइड बनाएंगे। पानी की तरकीब दो तरह से मालूम की जा सकती है, यानी हुजम के लिहाज से और वज़न के लिहाज से। हुजम के लिहाज से पानी में एक हिस्सा ऑक्सीजन और दो हिस्से हाइड्रोजन होती है, जबकि वज़न के लिहाज से पानी में ऑक्सीजन 8 हिस्से और हाइड्रोजन 1 हिस्सा होती है। हुजम के लिहाज से पानी की तरकीब मालूम करने के लिए पानी की बर्फ़पाशीदगी की जाती है। पानी में चंद कतरे तेजाब या एहसास मिलाने के बाद अगर हम इसमें से बरकी रॉ गुजारें तो वो अपने अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तहलील हो जाता है, और हमेशा हाइड्रोजन का हुजम ऑक्सीजन से दुगना होता है। मोहल्ले ने पानी की तरकीब वज़न के लिहाज से मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया। ये आला एक वस्ती नली पर मुश्तमिल है जो कि शीशे की बनी होती है। इसमें दो प्लेटिनियम के बरकीरे होते हैं। वस्ती नली दो बैरूनी नलियों से मुंसलिक होती है जिसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भर दिया जाता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मौजूद नमी को जज्ब कर लेता है। उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडरों को वज़न कर लेते हैं। खलाई पंप की मदद से आले में मौजूद हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और आले का वज़न कर लिया जाता है। अब बैरूनी नलियों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वज़न शुदा सिलेंडरों के साथ जोड़ दिया जाता है और बरकी रॉ गुजारी जाती है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं जो वस्ती नली के पेंदे में जमा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडरों को अलग कर लेते हैं और उनका दोबारा वज़न कर लेते हैं। आले का पानी समेत दोबारा वज़न किया जाता है। इस तरह से पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वज़न मालूम कर लिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम आपको हल्के और सख्त पानी के बारे में बताते हैं। ऐसा पानी जो साबुन के साथ ज़्यादा झाग बनाए और कसरत से बनाए उसे हम हल्का पानी कहते हैं, जबकि ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग ना बनाए या देर से झाग बनाए और फुटकियों में बढ़ जाए उसे हम सख्त पानी या हार्ड वाटर कहते हैं। पानी का सख्तपन दो तरह का होता है, आर्जी सख्तपन और मुस्तकिल सख्तपन। अब आप ये सोचेंगे कि मुस्तकिल सख्तपन से हमारी क्या मुराद है। पानी में आर्जी सख्तपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, जबकि मुस्तकिल सख्तपन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है। बारिश का पानी हवा में से गुजरते हुए उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और कार्बोनिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ऐसा पानी जब कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों की तहों में से गुजरे तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें जज्ब हो जाते हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं जो आर्जी सख्तपन का बाइस बनते हैं। पानी के आर्जी सख्तपन को दूर करने के लिए क्लार्क का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्लार्क के तरीके में आर्जी सख्त पानी में मुनासिब मकदार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शामिल कर दिया जाता है और उनका कीमियाई तामुल कुछ यूँ होता है, यानी
कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाते हैं। नाहल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट को अम्ले तकतीर के ज़रिए से अलग कर लिया जाता है और इस तरह से पानी का आर्जी सख्तपन दूर किया जा सकता है। पानी के आर्जी और मुस्तकिल सख्तपन को दूर करने के लिए आयन एक्सचेंज का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में सख्त पानी में कुछ सोडियम ज़ियोलाइट शामिल कर दिया जाता है तो सोडियम आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से तब्दील होकर कैल्शियम ज़ियोलाइट और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट बनाते हैं, जिसे हम इस मसावात से ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी सोडियम ज़ियोलाइट कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से मिलकर कैल्शियम ज़ियोलाइट या मैग्नीशियम ज़ियोलाइट बनाते हैं और सोडियम आयन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का सख्तपन दूर हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि पानी के सख्तपन को दूर करने के लिए हम इतने मराहिल क्यों तय करते हैं और हाँ इसके क्या नुकसानात हैं। इसकी वजह यह है कि इसके बहुत से नुकसानात हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सख्त पानी अगर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो साबुन ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि साबुन का कुछ हिस्सा कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह के साथ कीमियाई अमल करने में सर्फ हो जाता है। इस वजह से झाग कम बनती है और साबुन ज़्यादा खर्च होता है। सख्त पानी का दूसरा बड़ा नुकसान भाप से चलने वाले इंजनों को पहुंचता है। स्टीम इंजनों में अगर सख्त पानी इस्तेमाल किया जाए तो नमकियात बॉयलर की तह और पानी की नालियों में जमा हो जाते हैं, और क्योंकि ये नमकियात हरारत का नाकिस मुसल होते हैं, इस वजह से ईंधन ज़्यादा खर्च होता है और भाप बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। अगर ये नमकियात ज़्यादा अरसे तक जमे रहें तो भाप का गुज़र आसानी से मुमकिन नहीं होता और बॉयलर के फटने का अंदेशा होता है। इसके अलावा सख्त पानी निज़ाम इन्हज़ाम को भी मुतासिर करता है। अगर सख्त पानी में मैग्नीशियम सल्फेट की मिकदार ज़्यादा हो तो ये पेट की बीमारियों और इसहाल का बाइस बनती हैं। पानी को साफ करने के तीन तरीके हैं, आइए हम देखें कि ये तरीके क्या हैं, यानी क्लोरीनेशन, एयरेशन और फ्लोरिडेशन। पहले तरीके में तकतीर शुदा पानी में मुनासिब मिकदार में क्लोरीन गैस मिला दी जाती है, जो तमाम मुजरे सेहत जरासीमों को तबाह कर देती है और पानी पीने के काबिल हो जाता है। इस तरीके को क्लोरीनेशन कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा की ऑक्सीजन पानी में मौजूद नबाताती हैवानाती मादों और जरासीमों को ख़त्म कर देती है, इस वजह से हम पानी को फुहार की सूरत में हवा में उछालते हैं तो हवा की ऑक्सीजन और सूरज की हरारत से मुजरे सेहत जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने के काबिल हो जाता है। इस तरीके को हम एरेशन कहते हैं। पानी की सफाई का तीसरा तरीका फ्लोरिडेशन कहलाता है। बाज़ इलाकों में पानी में फ्लोराइड आयन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी में कुछ सोडियम फ्लोराइड शामिल कर दिया जाता है। सोडियम फ्लोराइड दांतों की बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर लोगों से भारी पानी के बारे में सुना होगा, आइए हम आपको ये बताएं कि भारी पानी या हैवी वाटर से हमारी क्या मुराद है। आपने पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन के तीन हमजा या आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम पानी में मौजूद दोनों हाइड्रोजन के एटमों को उसके भारी आइसोटोप यानी ड्यूटेरियम से तब्दील कर दें तो हासिल होने वाला मुरक्कब D2O या हैवी वाटर कहलाता है। भारी पानी की कसाफत आम पानी से 10% ज़्यादा होती है। इस वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बतौर इतदालिया या मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है और कीमियाई तामुल की शरह रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। भारी पानी की तबई खसूसियात आम पानी से मुख्तलिफ होती हैं, जबकि इसकी कीमियाई खसूसियात आम पानी की तरह होती हैं। इस वजह से बायोलॉजिकल और केमिकल रिसर्च में ये बतौर ट्रेसर इस्तेमाल किया जाता है।
अजीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको तजर्बा गाह में और सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस की तैयारी के मुख्तलिफ तरीके बताए। इसके अलावा हमने आपको बताया कि हमजा या आइसोटोप से हमारी क्या मुराद है। एक ही अंसर के ऐसे एटम जिनका एटमी नंबर तो एक हो लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उनका मास नंबर या एटमी वज़न मुख्तलिफ हो, उस अंसर के हमजा या आइसोटोप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन के तीन हमजा या आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसके अलावा हमने पानी की तरकीब मालूम की। पानी की तरकीब दो तरह से मालूम की जा सकती है, वज़न के लिहाज से और हजम के लिहाज से। हमने हल्के और सख्त पानी के बारे में भी मालूमात हासिल की और हमने देखा कि सख्तपन दो तरह का होता है, आर्जी सख्तपन और मुस्तकिल सख्तपन। आर्जी सख्तपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, जिसे हम पानी को उबालकर और क्लाक का तरीका इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। पानी का मुस्तकिल सख्तपन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है, जिसे हम आयन एक्सचेंज का तरीका इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज के तरीके में हम सोडियम ज़ियोलाइट सख्त पानी में डाल देते हैं तो सोडियम आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से तब्दील होकर ना हल पज़ीर कैल्शियम ज़ियोलाइट या मैग्नीशियम ज़ियोलाइट बना देते हैं और पानी की सख्ती दूर हो जाती है। हमने पानी को साफ़ करने के तीन मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में भी गौर किया। पहला तरीका क्लोरीनेशन कहलाता है, जिसमें पानी में मुनासिब मिकदार में क्लोरीन शामिल कर दी जाती है। दूसरा तरीका एरेशन कहलाता है, जिसमें हम पानी को फुहार की सूरत में हवा में उछाल देते हैं और जिससे पानी में मौजूद जरासीम मर जाते हैं। तीसरा तरीका फ्लोरिडेशन कहलाता है, जिसमें पानी में मुनासिब मिकदार में फ्लोराइड आयन शामिल कर दिए जाते हैं। आखिर में हमने आपको भारी पानी यानी हैवी वाटर के बारे में मालूमात फराहम की और उनकी अहमियत से आगाह किया। हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपको अपने दरसी मवाद को समझने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।